साथियों, समूहों पर आधारित गणित, जिसे हम समुच्चय गणित कहते हैं, उसे हमने पहले भाग में सीखा था। आज हम यह जानेंगे कि जिन अंकों, वस्तुओं आदि के समूहों को समुच्चय कहते हैं, उन अंकों और वस्तुओं को हम क्या कहते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि समुच्चय के सदस्य क्या होता है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, जिन अक्षरों, वस्तुओं आदि के समूह को समुच्चय कहते हैं, उन्हें उस समुच्चय के सदस्य कहते हैं। अर्थात जिन चीजों का समूह ले रहे हैं, चाहे वो अक्षरों का हो, चाहे अंकों का हो, चाहे वस्तुओं का हो, चाहे जानवरों का हो या फलों का हो, इन फलों को या जानवरों को या अक्षरों को हम समुच्चय के सदस्य कहते हैं। जैसे यहां दिखा गया है अंकों का समूह, यहां पर हमने 1 से 7 तक अंकों का समूह लिया है जो एक समुच्चय है। 1 से 7 के अलावा 1 से अधिक या 1 से कम अंक भी हम ले सकते हैं। तो इन अंकों को, जितने भी हमने अंक लिए हों, चाहे 1 से 7 से अधिक हो, चाहे 1 से 7 से कम हो, इनको हम समुच्चय का सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार यहां अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह देखा लिया है, ये एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत ABCDEFGHIJKLMNO ये लिए गए हैं। इनके अलावा भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ले सकते हैं, इनसे अधिक भी ले सकते हैं और इनसे कम भी ले सकते हैं। इन अक्षरों को जिनको समूह में दिया गया है, हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय का सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार ज्यामितीय आकृतियों का जो समूह है, ये एक समुच्चय है। इसमें हमने त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग और समांतर चतुर्भुज लिया है। इसके अलावा भी ज्यामितीय आकृतियां ले सकते हैं। इन ज्यामितीय आकृतियों को, त्रिभुज को, वृत्त को, आयत को, समांतर चतुर्भुज को, हम ज्यामितीय आकृतियों के समुच्चय का सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार अन्य समूह भी दिए गए हैं। इन समूह में जो भी हमने सदस्य लिए हैं, वो समुच्चय के सदस्य कहलाएंगे। अब समूह की सदस्यता के आधार पर ही, समुच्चय के सदस्यों की संख्या के आधार पर ही समुच्चय के प्रकार निर्धारित किए गए। एक और हमने दिखलाया है यहां पर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समूह को समुच्चय कहते हैं, जैसा कि यहां दिखाया जा चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ये लिए गए हैं, तो ये जो अक्षर हैं ABCDEF, इन्हीं को समुच्चय का सदस्य कहते हैं। इसी प्रकार घरेलू वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। इसका निरूपण निम्न प्रकार से करते हैं, कुर्सी, मेज, अलमारी, सोफा आदि। कुर्सी, मेज, अलमारी, सोफा आदि जो हैं, इनको समुच्चय का सदस्य कहते हैं। समुच्चय के सदस्यों की संख्या के आधार पर ही समुच्चय के प्रकार निर्धारित किए गए। समुच्चय निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, सीमित या परिमित समुच्चय, असीमित या अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय। वह समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या सीमित हो, अर्थात गिनी जा सके, सीमित समुच्चय कहलाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय सीमित समुच्चय है। अंग्रेजी माला के स्वरों का समुच्चय है AEIOU, क्योंकि इनके सदस्यों को गिना जा सकता है, इनके सदस्यों की संख्या यहां 5 है। इसी प्रकार जिन समुच्चयों के सदस्यों को न गिना जा सके, यानी बहुत अधिक उनकी संख्या हो, उन्हें असीमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या असीमित अर्थात गिनी न जा सके, असीमित समुच्चय कहलाते हैं। धन पूर्णांकों अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय असीमित समुच्चय है। धन पूर्णांक साधारण गिनती को कहते हैं। साधारण गिनती 1 से करोड़ तक हो सकती है, अरब तक हो सकती है, उससे भी अधिक हो सकती है, इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए असीमित समुच्चय कहलाता है। अब हम बतलाने जा रहे हैं कि एकल समुच्चय क्या होता है। तो वो समुच्चय जिनमें सदस्यों की संख्या केवल 1 होगी, एकल समुच्चय कहलाएंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है, जिस समुच्चय में केवल 1 सदस्य हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। अब जैसे साधारण गिनती हम देख ले, साधारण गिनती में 2 से बड़ी गिनती देखें और 4 से छोटी देखें, तो 2 से बड़ी और 4 से छोटी केवल 1 ही गिनती हो सकती, वो हो सकती 3।
तो हमने यहाँ पर लिया है दो से बड़ी व चार से छोटी प्राकृतिक संख्या अर्थात साधारण गिनती का समुच्चय। तो यह समुच्चय केवल एक गिनती होगी तीन, क्योंकि इस समुच्चय में केवल एक सदस्य है, इसलिए इसको एकल समुच्चय कहते हैं। अब आता है रिक्त समुच्चय, जिस समुच्चय में एक भी सदस्य ना हो। ऐसे भी समुच्चय प्राप्त हो, ऐसे भी समूह संभव हैं जिनमें एक भी सदस्य ना हो। तो जिस समुच्चय में एक भी सदस्य ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब रिक्त समुच्चय कैसे होंगे? जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं का ही समुच्चय लें या साधारण गिनती का ही समुच्चय लें, लेकिन उसमें ऐसी गिनतियां लें जैसे कह दें हम कि दो से बड़ी और तीन से छोटी गिनती का समुच्चय, तो दो से बड़ी और तीन से छोटी कोई भी गिनती नहीं होती, तो ये एक रिक्त समुच्चय होगा। या हम कह दें किसी पिता के एक भी लड़का न हो, हम कह दें कि उस पिता के या राम श्याम कुछ भी नाम दे दें, उसके समस्त लड़कों का समुच्चय, उसके कोई भी लड़का ना हो, तो वो एक रिक्त समुच्चय होगा। इसी प्रकार से अगर किसी विद्यालय में हमने मान लिया आकस्मिक निरीक्षण किया या वह चेकिंग में गए और वहां एक भी अध्यापक नहीं पाया गया, तो निरीक्षण के समय उपस्थित अध्यापकों की संख्या भी एक रिक्त समुच्चय के रूप में आएगी। तो रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होंगे यानी ऐसे समूह जिनका पहली बात परिभाषित तो हो लेकिन उसमें सदस्य कोई भी ना हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाएंगे। इसके बाद आपको इस विषय में उस समुच्चय, समुच्चय सीमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, इसके विषय में जो भी प्रश्न आप पूछना चाहें आप पूछें, मैं उनको बतलाऊंगा। एक बात और बतलाना चाहूंगा इससे संबंधित कि संख्या के आधार पर तो हमने ये निर्धारित कर दिया कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी समुच्चय कुछ हैं, जैसे सार्वत्रिक समुच्चय या जिनको समष्टि समुच्चय कहते हैं। जो सार्वत्रिक समुच्चय हैं या समष्टि समुच्चय हैं उनकी एक विशेषता होती है कि सजातीय जितने भी समुच्चय हम बना सकें या परिभाषित कर सकें वो सब उसी समष्टि समुच्चय से ही बने होने चाहिए। यानी ऐसा समुच्चय जिससे सजातीय जितने भी समुच्चय बनाए जा सके उसके अवयव उस समुच्चय में हो उसे समष्टि समुच्चय कहेंगे। दूसरा होता है उस समुच्चय। उस समुच्चय वो समुच्चय होंगे जो किसी एक समुच्चय से विभिन्न सदस्य लेकर के बनाए गए हैं। जैसे एक समुच्चय में कुछ हमारे सदस्य दिए हुए हैं, अब उससे हम एक सदस्य ले लें या दो सदस्य ले लें। अभी बनाए कैसे जाते हैं? ये बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार से उनको परिभाषित करते हुए। जैसे हम मान लो किसी गांव के सभी लोगों का एक समुच्चय ले लें, फिर हम कह दें गांव की महिलाओं का समुच्चय ले लें, फिर ले लें गांव की लड़कियों का समुच्चय ले लें, फिर ले लें गांव के लड़कों का समुच्चय या गांव के 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का समुच्चय इस तरह ले लें। तो जो गांव के सभी नागरिकों का समुच्चय है उसमें गांव की महिलाओं का समुच्चय, गांव के लड़कियों का समुच्चय, गांव के 80 वर्ष के ऊपर के लोगों का समुच्चय, गांव के बच्चों का समुच्चय, ये सभी समुच्चय उस समुच्चय होंगे। अब आप अपने प्रश्न रखिए, मैं उनको आपको विधा समझाऊंगा। जिन साथियों ने हमारा ये कार्यक्रम देखा उनमें से कुछ अपने प्रश्नों के साथ हाजिर हैं, तो आइए देखते हैं उनके प्रश्न और फिर उनके उत्तर भी। सीमित और असीमित समुच्चयों में क्या अंतर होता है? सीमित समूह को सीमित समुच्चय कहते हैं, असीमित समूह को असीमित समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय हमें ठीक से समझ में नहीं आया। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी सदस्य न हो। अब ये कैसे संभव है? देखो गिनतियां जानती हैं आप, साधारण गिनती 1, 2, 3, 4 होती है। अगर हम ये कहें कि 2 से बड़ी और 3 से छोटी गिनती का समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई भी गिनती नहीं होती। समुच्चय के विषय में जानने का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? समुच्चय समूहों की गणित। सबसे बड़ा उपयोग तो आपके जीवन में यह है कि जब समुच्चय की बात करेंगे तो केवल उसको परिभाषित मात्र करने ही, कि उसकी परिभाषा देने से ही एक बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे मैं कह दें आपके भाइयों का समुच्चय, तो अब आपको भाई को देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आपको ही जानकारी हो गई कि जो समूह हम ले रहे हैं वो भाइयों का ले रहे हैं। या क्रिकेट के खिलाड़ियों का समुच्चय ले लें तो आपको मालूम हो गया कि हम किस समूह को ले रहे हैं। या पूरी दुनिया के लोगों का समूह ले लें, समुच्चय ले लें, तो हमें पूरी दुनिया के लोगों की जानकारी केवल एक सेंटेंस में परिभाषा के अंतर्गत ही जानकारी हो गई। बड़े बड़े समूहों की गणित एक छोटे रूप में हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है,
चाहे वो खिलाड़ियों से संबंधित हो, चाहे लेखकों से संबंधित हो, या हम कह दें तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थियों का समूह या समुच्चय, तो हमें पूरे विद्यार्थियों का ज्ञान मालूम हो गया कि कोई भी विद्यार्थी आया, आपने उससे पूछा कि कहाँ पढ़ते हो, तो अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है तो उस समुच्चय में होगा, स्कूल में नहीं पढ़ता तो नहीं होगा। तो बहुत बड़ा ज्ञान एक छोटी सी परिभाषा के आधार पर ही मिल जाता है, सबसे बड़ा उपयोग यही। एकल समुच्चय में क्या एक ही सदस्य होता है? उस समुच्चय को ही एकल समुच्चय कहते हैं जिसमें एक सदस्य हो। अगर एक से अधिक सदस्य होगा तो उसे एकल समुच्चय नहीं कहेंगे। उसके लिए हमारे पास सीमित समुच्चय है, असीमित समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, और तमाम सार्वत्रिक समुच्चय हैं, समष्टि समुच्चय हैं। एकल समुच्चय वही समुच्चय होगा जिसमें केवल एक सदस्य हो, अर्थात एकल समुच्चय में केवल एक ही सदस्य होता है। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय हमें फिर से समझा दीजिए। भलीभांत परिभाषित एवं भिन्न वस्तुओं के संग्रह को या समूह को हम समुच्चय कहते हैं। तो जिस समूह के सदस्यों की संख्या गिनी जा सके उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिन समूहों अर्थात समुच्चयों के सदस्यों की संख्या गिनी न जा सके उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं।